कोरोना का आंकड़ा जिला सोलन शहर में बढ़ता ही जा रहा है। रोज कोरोना पॉजिटिव मामले प्रकाश में आ रहे हैं। सोलन के बीबीएन क्षेत्र में 7 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आए हैं। ये जानकारी जिला स्वास्थ्य अधिकारी एनके गुप्ता ने मीडिया को दी। आपको बता दें कि पिछले कल तक सोलन में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 373 थी, जिसमें से 239 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हैं। लगातार बढ़ती जा रही कोरोना पॉजिटिवों की संख्या से जहां एक ओर स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ी हुई हैं, वहीं जिलावासी भी मानसिक परेशानी और असुरक्षा की भावना से गुजर रहे हैं। अधिक जानकारी देते हुए जिला स्वास्थ्य अधिकारी एनके गुप्ता ने बताया कि बीबीएन औद्योगिक क्षेत्र से 15 लोगों के टेस्ट करवाए गए। इन 15 में से 7 लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं। उन्होंने बताया कि ये सभी सारा टेक्सटाइल के पॉजिटिव कर्मचारियों को प्राथमिक संपर्क हैं। उन्होंने बताया कि अब इन कोरोना पॉजिटिव आने वाले 7 व्यक्तियों के संपर्क में आने वाले लोगों की सूची बनाई जाएगी, उनके भी जल्द टेस्ट करवाए जाएंगे। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि अगर मजदूर बाहरी राज्यों से आएंगे और बिना क्वारंटीन किए उन्हें उद्योगों में लगा दिया जाएगा तो कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या में इसी तरह वृद्धि होती रहेगी। उन्होंने सोलन की जनता से आह्वान किया कि वे अपने आस पड़ोस पर कड़ी नजर रखें और अगर कोई व्यक्ति बाहरी राज्य से आता है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें, तभी कोरोना संक्रमण से बचा जा सकता है। अभी अभी जब हमारे को जो सूचना मिली है उसके तहत CRI कसौली में 7 हमारे पॉजिटिव केसेस आए हैं। ये 7ों के 7ों जो केसेस हैं वो बद्दी से बिलोंग करते हैं और बद्दी नालागढ़ से बिलोंग करते हैं। इसमें सारा टेक्सटाइल जो है उसके सारे ये कॉन्टैक्ट्स हैं, कुछ एम्प्लाइज हैं, कुछ उनके कॉन्टैक्ट्स हैं जिनको कि हमने होम क्वारंटाइन में रखा था। अभी इनके अलावा और भी लोग हैं जो जैसे जैसे ये पॉजिटिव आ रहे हैं तो उनके आगे फर्दर कॉन्टैक्ट्स हैं जो उनको ट्रेस आउट किया जा रहा है। सारा फैक्ट्री से अभी तक जो आज की डेट में जो आज लगे हुए थे उसमें से 15 आज अंडर प्रोसेस थे, जिसमें से ये 7 पॉजिटिव आ गए हैं। अभी इनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कंटिन्यू की जा रही है और जैसे जैसे आगे और इनके कॉन्टैक्ट्स मिलते रहेंगे उनकी भी हम सैम्पलिंग करते रहेंगे, क्योंकि अभी तक जो हमारे को लगता है जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट था वो भी अभी तक नेगेटिव नहीं हुआ। तो जैसे तेजी से अब फैल रहा है कोरोना, क्या कहेंगे सर एहतियात बरतने? जैसा कि आप सबको पता ही लग रहा है डेली के डेली हमारे जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं। 300 जो पहले अभी तक जो केसेस हो रहे थे, जैसे कि मोर देन 370 से ऊपर हमारे केसेस अभी तक हो चुके हैं और पिछले कुछ दिनों में ही हमारा जो आंकड़ा है बहुत तेजी से बढ़ा है। जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं या फैक्ट्री वाले वर्कर्स को ला रहे हैं उनको क्वारंटाइन करते रहेंगे और साथ में सैंपलिंग कराते रहेंगे तो हम शायद अपने जो आम जनता में है और इस जो वायरस को फैलने से कुछ रोक सकते हैं। अगर लोग आएंगे डायरेक्टली पब्लिक में घुल मिल जाएंगे और हमारे को पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि कुछ लोग चोर रास्ते से आ रहे हैं, कोई कहीं ना कहीं से पहुंच जाते हैं और वो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो लोगों से एक ही अपील है मेरी कि खासकर आम जनता से ये अपील है कि वो अपने साथ के अपने जो इधर उधर जो उनके पड़ोस में है ये ध्यान रखें कि कोई भी आदमी अगर बाहर से आता है तो उसकी सूचना वो एटलीस्ट एडमिनिस्ट्रेशन को या पुलिस को जरूर दें ताकि उसके बारे में जानकारी जुटाई जा सके कि वो कहाँ से आया है और कैसे आया है।